हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी थाईलैंड ट्रिप के बारे में कि मतलब इतनी अमेजिंग थी यार वो। मतलब हम लोग गए थे अपनी फैमिली के साथ, आई मीन मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड। तो थाईलैंड हम जो गए थे, हम गए थे 6 nights and 7 days के लिए और हमने वहाँ पर बहुत इन्जॉय किया है। तो अगर आप भी थाईलैंड जाने वाले हैं तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनी हुई है। बिकॉज जब भी हम कहीं ट्रिप पे जाते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि भाई कैसे जाएंगे, क्या क्या वहाँ पर करना है, और स्पेशली लड़कियों का तो क्या पहने सबसे बड़ा डाउट होता है। तो गाइज ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं पैकेज से। तो मैंने पैकेज कहाँ से लिया था, मैंने लिया था एमएमटी से। एमएमटी से मैंने ग्राउंड पैकेज लिया था। फ्लाइट्स तो मैंने खुद ही की थी। एंड पता है क्या होता है कि जब हम ग्राउंड पैकेज एमएमटी वगैरह से ले लेते हैं, ठीक है, और फ्लाइट हम जब खुद करते हैं तो थोड़ा सा सस्ता पड़ जाता है। आई मीन मुझे कुछ, जब मैंने उनसे पूरा पैकेज लिया था तो उससे, और जब मैंने फ्लाइट्स खुद बुक की उनसे मैंने ग्राउंड पैकेज लिया था, तो मुझे 10,000 रुपये का फ़र्क पड़ा। तो मुझे ये ज़्यादा सही लगा, ठीक है। हाँ, और दूसरी बात, अब जा रहे हो तो पैकेज लेके ही जाना क्योंकि बहुत सही रहता है ये। अब वहाँ जाके क्या होटल करोगे, क्या कैब्स करोगे, कैब्स तो बहुत महंगी है वहाँ पर। तो ये स्टार्टिंग थी हमारी। तो डे वन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गए थे फुकेत। ओके, सो इट वॉज फुकेत एंड कराबी टूर। सो फुकेत एंड कराबी हम लोग गए थे। तो पहले हम डे वन गए थे फुकेत, हमारा होटल में 4-star होटल था हमारा। हमारा चेक इन हुआ वहाँ पर एंड डे वन फिर हम गए थे फैंटेसी शो। ये वहाँ का बहुत पॉपुलर शो है क्योंकि मैं अपनी बेटी के बर्थडे पे वहाँ पर गई थी, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए कि उसके लिए भी कुछ अच्छा हो वहाँ पर। तो उसके बर्थडे पे गए थे तो उसके लिए भी कुछ अच्छा होना था। फैंटेसी शो वहाँ का बहुत पॉपुलर शो है, बहुत अच्छा था, बहुत अमेजिंग था। मीन्स आप देखोगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में। एंड उसके बाद हमारा जो डे टू था, डे टू में हम गए थे फीफी आइलैंड। एंड फीफी आइलैंड जो था वो भी बहुत अच्छा था। अगर आप बीची पर्सन, आपको बीच अच्छी लगती है, आपको समुंदर देखना अच्छा लगता है, आपको क्रूज पे घूमना अच्छा लगता है, तो नो डाउट आपको ये आपका जो थाईलैंड वाला एक्सपीरियंस होने वाला है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। बिकॉज आई एम दैट पर्सन जो बीची पर्सन है, और मुझे बीच पे जाना, क्रूज पे घूमना, समुद्र को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो या फिर हम फीफी आइलैंड गए एंड फीफी आइलैंड के बाद जो था हमारा डिनर वहीं पर था, तो डिनर उन्हीं की तरफ से था जो क्रूज थी, एंड ये बहुत अच्छा था। फीफी आइलैंड पे हम एक मंकी आइलैंड भी था, उधर हम मंकी आइलैंड भी गए थे। एंड मंकी आइलैंड पे बहुत सारे मंकीज थे पता आपको, एंड वो बिल्कुल डर भी नहीं रहते आप लोगों से। मंकीज पता है क्या होता है कि वहाँ पर आपको बिल्कुल हार्म नहीं करते हैं। इनफैक्ट कोई आपके शोल्डर पे आके बैठ रहा है, एंड वो उनके मंकीज भी हमारे मंकीज से अलग है पता है। एंड वो बहुत अच्छा था मंकी आइलैंड जो था। एंड पता है उसके बाद पूरा दिन तो फीफी आइलैंड में ही चला गया था। डे थ्री तो जो था हमारा वो सिटी टूर था, मींस उसमें आपका बिग बुद्धा टेम्पल था उसका वो कराते। एंड क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी सडनली, तो इस वजह से हम वो तो कर नहीं पाए थे, उस दिन हम होटल में ही रुके थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने बच्चे के साथ जा रहे हैं तो अपनी जो बच्चे की जो मेडिसिन है वो लेके जाओ। हालांकि मैं भी लेके गई थी बट उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा क्योंकि वो 2 years की है अभी, तो मतलब वेदर चेंज हुआ या पता नहीं क्या हुआ, वो बहुत बीमार पड़ गई। तो हम सुबह सुबह ही वहाँ पास में एक हॉस्पिटल था तो वहाँ पर गए, और दिक्कत ये हो गई कि वहाँ के जो डॉक्टर्स थे उनको हमारी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी, उन्हें इंग्लिश नहीं समझ में आ रही थी और हमें उनकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी। तो फिर हमने ट्रांसलेटर का यूज़ किया। ऐसा नहीं कि उनको इंग्लिश नहीं आती है, आती है, बट यू नो व्हाट, उनकी इंग्लिश और हमारी इंग्लिश में बहुत अंतर है। मतलब एक्सेंट बोल सकते हैं कि उनको कैसे इंग्लिश आती है कि आपको बस इतनी इंग्लिश आनी चाहिए, ओके गुड फाइन लाइक दिस, ठीक है। सेंटेंस उनको बनाने नहीं आते, सेंटेंस इशू उनको है। तो डॉक्टर्स का भी सीन यही था, उनका एक्सेंट अलग था तो हमें नहीं समझ में आ रहा था, हमारा एक्सेंट पता नहीं कैसा था जो उनको उसको समझ में नहीं आया। फिर उसके बाद हाँ, बट ये था उन्होंने जो दवाई दी उससे मेरी बेटी बिल्कुल ठीक हो गई। मतलब उसको पूरी रात 102 बुखार था एंड जब उसकी दवाई ली तो वो ठीक हो गई, तो वो काफ़ी सही था। तो डे थ्री हमारा जो होटल रूम में ही गया। डे फोर हमारा जो था कराबी में था। फिर हमें फेरी मिली, प्राइवेट फेरी थी जिससे हम फुकेट टू कराबी गए। एंड जब हम उस पर जा रहे थे, फेरी में गए थे तो हमें 1 ही घंटा लगा था, बट जब आप कार से जाओगे तो आपको 4 घंटे लगेंगे। तो ये था।
तो फेरी से हम फिर जब पहुंचे कराबी तो हमने चेक इन किया अपने होटल में, एंड होटल में चेक इन करने के बाद वहां पर कराबी तो बहुत अमेजिंग है गाइस, कराबी तो मतलब पूछो मत। तो कराबी में जब हम गए तो वहां पर ना फायर शो होता है बीच के ऊपर। तो एक तो कराबी बहुत कमर्शियल नहीं है, ठीक है, वहां पर आपको क्राउड तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो कराबी में फायर शो होता है नाइट में, तो वो बहुत अमेजिंग था वो देखना। फिर नेक्स्ट डे हम गए थे सेवन सी आइलैंड। सेवन सी आइलैंड क्या है कि आपको वहाँ पर सेवन आइलैंड्स घुमाते हैं वो लोग, ट्राइंगल आइलैंड, मंकी आइलैंड, कुकू आइलैंड, और आई मीन ऐसे सात आइलैंड थे, मुझे नाम याद नहीं है। बट जो सबसे अमेजिंग था वो तो स्नोकरिंग, हमने वहाँ पर स्नोकरिंग की। स्नोकरिंग में क्या होता है, आपको मास्क पहना देते हैं एंड आपको सी के अंदर जाना होता है, एंड वहाँ पर आप फिशेज देख सकते हो बहुत सारी। तो वो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था हम लोगों का। तो फिर क्या हुआ कि सेवन सी आइलैंड हो गया हमारा, और हाँ हमारा मतलब नाइट में क्रूज में ही डिनर था तो वो भी बहुत अच्छा था, ठीक है। और हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं कैसे वहाँ पर सर्वाइव करूँगा। देखो बहुत इजी है, ऐसा नहीं है। मैं भी गई थी, जब मैंने बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी तो उन्होंने कहा अरे यार वेजिटेरियंस के लिए कुछ भी नहीं है, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस होटल में आप रुक रहे हो वहाँ से आप वेजिटेरियन फूड मंगा सकते हो। इनफैक्ट उनके जो राइस होते हैं ना वो हमसे बहुत अच्छे होते हैं, उनके स्टिकी राइस होते हैं तो वो बहुत टेस्टी होते हैं। और इनफैक्ट वेजिटेरियंस के लिए बहुत अच्छा अच्छा खाना भी है वहाँ पर, और फ्रूट्स तो जो इंडिया में नहीं मिलता वो वहाँ मिलता है, तो काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फ्रूट्स हैं वहाँ पर, खाना भी है वहाँ पर। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप गर्ल हो तो कैसे कपड़े आपको वहाँ पहनने चाहिए। तो देखो आप कुछ भी पहन सकते हो वहाँ पर, ठीक है। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है कि मैंने कौन से दिन क्या क्या पहना था एंड क्या क्या स्टाइल मैंने किया था, तो आप वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। ऊपर मैं यहाँ पर भी दिखा देती हूँ आपको कि मैंने कौन से दिन, मैं शेयर कर देती हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। एंड आप अगर वहाँ पर जा रहे हो थाई मसाज नहीं करवा के आ रहे हो तो आप कुछ भी नहीं करा के आ रहे हो गाइस, इतनी अमेजिंग है ना थाई मसाज। मतलब पता क्या होता है, हम लोग नेगेटिव सोच लेते हैं कि कैसे मसाज होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत रिलैक्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो थाई मसाज जरूर करा के आना वहाँ पर जा रहे हो तो। शॉपिंग क्या करें, देखिए वहाँ जा रहे हो तो सबसे पहले फ्रूट्स तो जरूर खाना वहाँ के, ठीक है। वहाँ पर अगर आप जा रहे हो कुछ भी खरीदना है ना, 7-Eleven वहाँ पर मार्ट है, आपको हर 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर एक 7-Eleven मिल जाएगा, तो वहाँ जाना, वहाँ से खरीदना, आपको कुछ बार्गेनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहाँ फिक्स प्राइस होता है, बहुत कम प्राइस होता है। तो अगर आप गर्ल हैं और अगर आप थाईलैंड गए हैं और मेकअप नहीं लेके आए तो फिर तो यार देखो, क्योंकि वहां के मेकअप अपने यहाँ के मेकअप से तो बहुत अलग है। तो वहां जा रहे हो तो मेकअप जरूर लाना। अब मेकअप कौन सा अच्छा है, तो देखो मैं तो ये लेके आई हूं, मैं अभी दिखाती हूँ आपको। तो गर्ल्स अगर आप वहां जा रही है तो मेकअप जरूर लेके आना, वहाँ का मेकअप अमेजिंग है। तो मुझे जो सबसे अच्छा लगा वहाँ पर, ये मस्कारा है, ये मैंने 7-Eleven से लिया था यार, ये मस्कारा इतना अमेजिंग है, मैं इसके तीन चार वो लेके आ गई हूँ, मतलब तीन चार मस्कारा लेके आ गई हूँ। ये देखिए ये कैसा है, ये देखिए, अपने यहाँ तो ब्रशेज होती हैं, इसमें ब्रशेज नहीं है, एंड ये बहुत ईजी, बहुत हाई वॉल्यूम देने वाला मस्कारा है, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड यार ये बहुत अच्छा है, बहुत अफोर्डेबल है एंड अमेजिंग है। दूसरा जो है मुझे ये लिपस्टिक, ये 4U2 की लिपस्टिक है, काफ़ी जाना माना ब्रांड है वहाँ का, काफ़ी अच्छा ब्रांड है, तो वहाँ से ही मैंने ली थी, वहाँ एक मॉल से। एंड इसकी जो लिपस्टिक है वो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, एंड ये देखिए इसका कलर बहुत प्यारा है, एंड इसके साथ आपको मिलता है इस लिपस्टिक में ये जेल। पता क्या होता है, अपने यहाँ की लिपस्टिक छूट जाएगी बट ये नहीं छूटेगी, पता क्या, ये लिपस्टिक आप लगाओ एंड इसके बाद ये, तो लिपस्टिक अप्लाई करने के बाद इसका ये जेल जरूर अप्लाई करना। इससे क्या होता है, देखो ये इसी में मिलता है, एंड इससे क्या होता है ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है और ये कम से कम 8 घंटे चल जाती है। एंड गाइस ये इतनी प्यारी लिपस्टिक है, मैं सोच रही हूँ कि मैं 2-3 क्यों नहीं लेके आई, तो ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो चीज़ मुझे वहाँ पर सबसे, 4U2 की मैं ब्रश भी लेके आई हूँ, ये आपका जो है ब्लश और ब्रश है, काफ़ी प्यारी है यार, ये बहुत अच्छी है, तो काफ़ी सही भी है। प्राइस तो देखो थोड़ा बहुत है इनका, बट अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो मैं वहाँ से लेके आई हूँ वो लेके आई हूँ ये आम रोल ऑन, ठीक है। इसे अल्कोहल नहीं है, पैराबिन फ्री है, इसका फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा है यार, ये मुझे बहुत सही लगा। दूसरा जो मैं लेके आई हूँ वहाँ से, ये ब्लशर लेके आई हूँ, ठीक है, ये बहुत प्यारा है, बहुत स्मूद है, बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, तो ये भी बहुत अच्छा है, ये ज़रूर लेके आना वहाँ से। इसका भी ब्रांड वही है जो मेरे मस्कारे का ब्रांड है, तो ये ज़रूर आप लेके आना।
सो नेक्स्ट जो मैं लेके आई हूँ कैथी डोली का जो ये वाटर टिंट, ये आप लिप्स पे और अपने चिक्स पे यूज कर सकते हो, तो ये काफ़ी मुझे काफ़ी सही लगा। ठीक है, ये देखिए कुछ ऐसा होता है एंड ये काफ़ी सही है। उसके बाद जो मैं लेके आई हूँ ये लिपस्टिक है, ये भी एक लिपस्टिक है वहाँ की, काफ़ी सही लिपस्टिक है इसका कलर। और पता है क्या, ये देखो आपको डार्क दिख रही है बट आप जिस पे लिप्स पे लगाओगे ना इसको, ये डार्क नहीं है, इतनी डार्क नहीं है, ये बहुत प्यारी है। और पता है ये मैट है और ये भी नहीं छूटेगी आपका, 7-8 घंटे तक ये चलेगी। तो इसका ब्रांड तो है टाइम ऑफ फ्रोजन सेंस करके। और आपको पता है जो थाईलैंड की, कोरिया की चाइनीज लड़कियां जो अपनी आईज के नीचे लगाती हैं, ये वो पेन है, फाइनली ये मुझे वहां पर मिल गया। और ये इतना प्यारा है यार, मैंने पूजा भी ये खरीदा था ना, उसके बाद से पूरी ट्रिप पे ये लगा के रखा। एंड पता है ये बहुत ही शाइन करता है ये, पता है मतलब बहुत प्यारा है, आप इसे लगा सकते हो। ऐसे दिख रहा है या नहीं दिख रहा है पता नहीं आपको वीडियो में, बट ये बहुत अच्छा। तो आप ये वाली पेन तो जरूर लेके आना, इसको आप एज आईलाइनर और आई हाइलाइटर यूज कर सकते हैं, तो ये काफी अमेजिंग है। और जो मैं लेके आई हूँ वहां से टोनर, हाँ, और ये तो मैं लेके आई हूँ एक वहां का, देखो स्किन ब्राइटनिंग कुछ ऑयल है, ये बहुत अच्छा है, ये मैं यूज करती हूँ रात को सोते टाइम, तो काफी सही था। मैं इसकी एक ही बोतल लेके आई, मुझे अब अफसोस हो रहा है क्यों। हाँ, ये जो मैं लेके आई हूँ ना ये टोनर एसेंस है ब्राइटनिंग, ये भी काफी अच्छा है, मुझे काफी सही लगा ये, तो आप ये सब लेके आ सकते हो। तो गाइस देखो क्या होता है ना कि हम गर्ल्स जहां भी जाती है तो मेकअप तो जरूर लेती ही है, तो गाइस आप मेकअप लेके आना वहां से, ठीक है, अच्छा मिलता है। ठीक है, एंड मेरी जो ट्रिप रही थी वो बहुत अमेजिंग रही थी, मतलब मैं आने के बाद भी सोच रही कोई मुझे स्पॉन्सर कर दे, कोई मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं तो मुझे थाईलैंड एक बार और भेज दे, तो बहुत अच्छा था। वहाँ पर नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी है वहाँ की, लोगों ने गलत परसेप्शंस बनाए हुए हैं कि थाईलैंड जा रहे हो, बट ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग वहाँ से बैंकॉक और पटाया भी जा रहे थे, तो वो हमें इतना पता नहीं था, ठीक है, बट हमने करावी और फुकेत का ही कराया, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बैंकॉक भी जरूर जाएंगे। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, जा रहे हो कहीं तो बहुत इन्जॉय करना, ठीक है, मन करे वो पहनना, मन करे वो खाना वाला सीन है, अमेजिंग है यार, बहुत अच्छा लगा वहाँ पर जाके। एंड आई होप कि आपकी ट्रिप भी बहुत अच्छी रहे, और कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो इस ट्रिप के बारे में, तो यू गाइज कैन आस्क मी इन कॉमेंट बॉक्स। एंड प्लीज़ अगर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, वीडियो को लाइक करके जाना। Alright, so that's all from my side. Happy journey all of you, and bye bye, have a good day.